अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैब डॉक्टर फारे बुखारी पाक इस्लाम पॉजिटिव विंग की चेयरपर्सन, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ जैसी आपसे डायरेक्ट लाइव बात कर रही हूँ। और मैं पिछले कुछ अरसे से आपको कुछ आने वाले हालात जो ख़राब होने जा रहे हैं उसके बारे में वार्न करती रही हूँ, और खासी वीडियोस भी बनाई है मैंने। आई थिंक कल रात मैंने तकरीबन 1 घंटा आपके साथ इस बारे में डिस्कशन की है। और आज जो एक पेश रफ्त हुई है, दो चीज़ें, सिंस वी स्पोक लास्ट नाइट, जब मैंने कल रात अपनी वीडियो ब्रॉडकास्ट की है। नंबर 1 कि आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हेलीकॉप्टर को इंडिया की आर्मी ने टारगेट करने की कोशिश की और उसको गिराने की कोशिश की। आई मीन दे वर अबाउट टू गेट टू अटैक इट, विच इज ऑनेस्टली, अगर आप उसको साथ दिया अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इट वॉज अ कॉल आउट फॉर वॉर। जब तुर्की ने रशिया का जहाज डाउन किया, CIA के कहने पर एक कंफ्यूजन डेवलप हुई थी जिसकी वजह से तुर्की के ऑफिसर्स के हाथों रशिया का जहाज डाउन हुआ, तो एक तूफान खड़ा हो गया था तुर्की और रशिया की डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। और हमारा तो ऑलरेडी तूफान खड़ा हुआ हुआ है हमारी और इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, और फिर उनका जनरल जो है वो हमें धमकी देता है कि वो हमें अटैक करेगा, इंक्लूडिंग अ पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक। और फिर राजनाथ जो है वो कहता है कि 3 दिन पहले उन्होंने कोई सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें उन्होंने हमारा भारी नुकसान किया, जिसको उनके अपने आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं और जो सोल्जर्स हैं वो उसको रिजेक्ट करते हैं, उनके इस क्लेम को, और कहते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स थी। और उसके बाद सुषमा जो है वो UNGA में हमारी हर स्पीच को बायकॉट करती है और हमें टेररिस्ट कहती है इंटरनेशनल पोडियम पे खड़े होकर, और कहती है वो हमारे से बात करना पसंद नहीं करती क्योंकि उसके नज़दीक हम सब टेररिस्ट हैं। ये कैसे टेररिस्ट हैं कि जिनके अपने यहाँ पर लाखों लोग शहीद हो गए? इंडिया में तो हार्डली शहादतें हुई हैं, कौन मरा है दहशतगर्दी से? पाकिस्तान से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये कैसे दहशतगर्द हैं जो अपने लोग मारी जा रहे हैं? द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ इंडियन क्लेम दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट। द फैक्ट एंड फिगर्स आर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान क्लेम दैट इंडिया इज अ टेररिस्ट स्टेट। और अगर हमारे सोइल के ऊपर टेररिज्म हुआ हो ना हुआ हो, इंडिया ने कराया हो ना कराया हो, कराया है, उनका स्पाई पकड़ा गया है, वी हैव क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव करते हैं कि इंडिया ने यहाँ पे टेररिज्म किया है, वी हैव टेस्टिमनीज फ्रॉम टेररिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड रिनाउंड वांटेड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जिन्होंने क्लेम किया है कि इंडिया उनको फंड करता रहा है। TTP के लोगों ने क्लेम किया है, जब उनके लोग गुंडे पकड़े गए हैं, जब उनके दहशतगर्द पकड़े गए तो उन्होंने कहा है, उन्होंने बयानात दिए हैं, इंटरव्यूज दिए हैं कि उनको इंडिया फाइनेंस करता रहा है। तो कमिंग बैक टू ऑल दीज थिंग्स, बहुत तेजी से चीजें हो रही हैं। और आज जो हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर कोई आम इंसान तो नहीं है ना, आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरह से एक हेड ऑफ द स्टेट है वहाँ का, और उसके इस तरह से हेलीकॉप्टर को एम करना और टारगेट करना, यू नो दे कुड हैव अटैक्ड, दे कुड हैव डाउन इट, ठीक है, इफ दे डिड नॉट डाउन इट सो दे आर टेलिंग अस समथिंग, ये एक इशारा है हमारे लिए कि दे आर कमिंग एट एनी टाइम। और आपने नोट किया होगा कि फ्रॉम अ सिचुएशन ऑफ डेटरेंस, फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर दे हैव ऑलवेज बीन प्रोवोकेटिव इन द सेंस के लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमेशा उनकी लड़ाइयाँ चल रही होती थी, और हम फिर यूनाइटेड नेशंस के उसमें जाके फाइल करते थे, कंप्लेंट करते थे, तो
फिर इनको इनकी पेशी होती थी और फिर ये चुप कर जाते थे। लेकिन अब ये बेशर्म हो चुके हैं, अब ये टोटली इन्होंने शराफत का जो लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ था वो उतार दिए। नाउ दे हैव अ डैम के रैटिट्यूड। व्हाई? बिकॉज दे सी द वर्ल्ड बुलीज गेट अवे विद एवरीथिंग। ये ट्रंप का कसूर है अनफॉर्चुनेटली कि उसने इस किस्म के बदमाश कल्चर को हवा दी है कि जिसमें लुच्चा सबसे ऊंचा है। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा जेरूसलम में किस तरह से, किस बदमाशी से ट्रंप ने जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल बनाने का क्लेम किया, जबकि पूरी दुनिया के लोगों ने उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास की, लेकिन फिर भी उसने ढिटाई से वहां पर अपनी एम्बेसी खोली अमेरिका की। और नेतन्याहू को सपोर्ट करता रहा। नेतन्याहू ने अभी यूएनजीए के उसमें जाके ईरान को बोला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। खुद उसने इतने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा कि उसने कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए। लेकिन वही बात है ना कि बदमाश जो है वो सबसे ऊंचा है यहाँ पे। सो इंडिया नोज कि वो बदमाशी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस में इन सब बदमाशों को वीआईपी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इनको फुल ऑडियंस मिलता है। हमारे गरीब बेचारे जो हुक्मरान हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको रो रो के पीट पीट के तस्वीरें भी दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाते हैं, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिटन थीसिस भी दिखाते हैं, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, फिर भी उनको वो ऑडियंस नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज यूनाइटेड नेशंस इज नॉट वर्किंग फॉर कश्मीर, इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर। इंडिया नोज दिस। ये सब ड्रामा है, ये सब शरेड है। दे वांट अ वॉर। दे विल लेट ऑल दीज बुलीज डू व्हाट एवर दे वांट टू। आज उसने टारगेट किया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? किसने उसको इतनी हिम्मत दे दी इंडिया को? कल को वो हमारा वाकई में कोई जहाज गिरा देगा, फिर हम भी गिराएंगे और उसके बाद फिर वॉर ठीक ठाक शुरू हो जाएगी। हम अभी डिटरेंस पे अमल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना हो, हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं। हमें गुस्सा चढ़ रहा है लेकिन हम अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। इंडिया डजंट केयर, इंडिया डज नॉट केयर। इंडिया इज एंग्री बिकॉज वी ट्राइड टू एक्सपोज द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दैट दे आर कमिटिंग इन कश्मीर इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर रियली मैड एट अस। But I don't think this is just their madness at our recent attempt to expose them. Because I think technically, जिसको भी कश्मीर में इंटरेस्ट है उसको यूनाइटेड नेशंस का कोई सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है इंडिया की बर्बरियत और उसके वहशियानापन के बारे में जानने के लिए। 70 सालों से ये इतना जुल्म कर रहे हैं, इतनी मैस इनकी अनलेबल्ड ग्रेवयार्ड्स हैं जहां पे इन्होंने इतने शहीदों का खून बहा कर उनको दफन किया है अनलेबल्ड, जो कि एक वॉर क्राइम है। इतने छोटे छोटे बच्चों को पैलेट इंजरीज से इन्होंने अंधा किया है, वॉर क्राइम है। जो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स हैं उनको इन्होंने गोलियां बरसाई हैं, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उनके साथ ज्यादती करके उनको फिर दफन किया है जिंदा। ये इनके वॉर क्राइम्स हैं। औरतों को, रेप को उन्होंने एज ए टूल ऑफ वॉर बनाया है, जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए, डराने धमकाने के लिए वो जाके रेप करते थे बच्चियों को सिर्फ अपना रोब डालने के लिए। तो ये सारे वॉर क्राइम्स हैं एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 70 इयर्स अनअकाउंटेड अनचेक्ड। नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट दैट एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। हमारी हमारी एक मोहब्बत है कश्मीर के साथ, हमारा एक दिल का रिश्ता है, हम एक ही रूह हैं। हमारा रिश्ता स्पिरिचुअल है जो टूट नहीं सकता कश्मीर के साथ। और अब मजे की बात ये हो रही है कि एक नई कैंपेन शुरू हो गई, एक नया ड्रामा शुरू हो गया है कि अब इंडिपेंडेंट कश्मीर हो। और ये बड़े अरसे से हो रहा था लेकिन अब इस
कॉन्सेप्ट में अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल पावर्स इंटरेस्टेड हो गई हैं, जो चाहती हैं कि एक इंडिपेंडेंट कर्दिस्तान की तरह एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने, जिसको वो बनवाएं जो ना इंडिया का हो ना पाकिस्तान का हो, जिसके अंदर वो बैठ कर चाइना को भी कंट्रोल करें और पाकिस्तान को भी कंट्रोल करें। ये यूनाइटेड स्टेट्स का नया तमाशा है कि वो चाह रहे हैं कि अब एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने, उनकी एक सब कॉलोनी बन जाए, और इसमें इनके साथ यूरोप भी है। तो अब मैं ये एक कैंपेन देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान और कुछ इन्होंने जो बाहर कश्मीरी रहते हैं यूरोप में या फिर यूएस में, उनको भी इस तरह से उन्होंने माइंड प्रोग्रामिंग उनकी शुरू कर दी है कि तुम लोग अब ये कहना शुरू कर दो कि पाकिस्तान तो कोई काम कर ही नहीं रहा, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं, और अभी भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी और उन्होंने बहुत ख़राब रिप्रेजेंट किया कश्मीर के केस को, और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कश्मीर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, विच इज़ ऑल बुलशिट, टोटल बुलशिट। पाकिस्तान ने जितनी सेक्रीफाइस दी कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए एडवोकेसी करने में, किसी ने दुनिया के किसी किसी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी ने इतनी सेक्रीफाइस नहीं दी, किसी मुल्क ने इतनी सेक्रीफाइस नहीं दी। हम 70 साल से सेक्रीफाइस दे रहे हैं, 3 जंगें हम लड़ चुके हैं, 3 जंगें हम लड़ चुके हैं, और उसके अलावा एक इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रॉक्सी वॉर हम सह चुके हैं दुश्मन की तरफ से, और APS सेक्रीफाइस कर चुके हैं, मस्तूम सेक्रीफाइस कर चुके हैं, इंडिया से जबरदस्त किस्म की दुश्मनी हमने मोली है कश्मीर के लिए, और आप हमें ये कहते हो कि हम कश्मीर में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी आर्मी पहले दिन से कश्मीरियों के साथ है, इसलिए वो लोग जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान की जो भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन हो, वो कश्मीर को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, और वो उन्हें जुमा जुमा 2 दिन हुए हैं और वो यूरोप में बैठ के और US में बैठ के ये समझ रहे हैं, दैट इज ऑल बुलशिट। दे हैव टू लुक एट द हिस्ट्री, how much Pakistanis have suffered to support Kashmir. दुनिया में इस वक्त कोई का मुल्क कश्मीर के लिए नहीं बोलता, शोर नहीं मचाता, हम मचाते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं, हर जगह जगह हमारे बच्चे जाते हैं, जाके उन्हें सपोर्ट करते हैं उनके लिए। हमारे कश्मीर की जो स्ट्रगल है, इट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम दैट इज टॉट टू आवर किड्स from day one, to love Kashmir, to liberate Kashmir. पाकिस्तान का बच्चा जब स्कूल जाता है तो पहले दिन से उसको बताया जाता है कि कश्मीर को आजाद कराना है हमने, कश्मीर एक दिन आजाद होगा और पाकिस्तान से आजाद करवाएगा, पाकिस्तान उसके हक खुदरादियत के लिए जो उसे करना पड़ा वो करेगा। तो ये जो कैंपेन चल रही है, जो कि ये US जो के ग्लोबलिस्ट्स हैं, वो चाहते हैं यहाँ पे अपनी छोटी सी कॉलोनी बना लें कश्मीर के अंदर, इंडिपेंडेंट कश्मीर के अंदर, और उसके जरिए फिर वो चाइना को कंट्रोल करें, उसके जरिए वो पाकिस्तान को कंट्रोल करें एक इंडिपेंडेंट कर्दिस्तान की तरह। दे हैव टू नो कि कश्मीर के साथ जितना पाकिस्तान रहा है और कोई भी नहीं रहा, और कश्मीरियों को ये बात पता है। यही वजह है कि वो आज भी मोदी की इतनी रिश्वतों के बावजूद, इतनी उसने रिश्वतें देने की कोशिश की, वो आज भी पाकिस्तान के साथ हैं, वो आज भी पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। जब इनके अपने इलेक्शंस होते हैं स्टेट के, तो वो उसका बायकॉट करते हैं, इतनी उनके ऊपर एट्रोसिटीज करते हैं, इतना जुल्म करते हैं, इसके बावजूद वो इलेक्शंस का बायकॉट करते हैं, इनको बताने के लिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम तुम्हारी स्टेट नहीं है। तो इस वजह से जो कुछ भी हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और ये पेशे रफ्त हुई है एक कि इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के लीडर हैं उनका हेलीकॉप्टर एम करने की कोशिश की। ये बहुत ख़तरनाक इवेंट है, और आई थिंक पहले इनको शक था कि ये जंग जीत नहीं सकते, इनके अपने जो स्ट्रैटेजिस्ट थे और इनके अपने जो लोग थे, उन्होंने जो भी थिंक टैंक्स थे उन्होंने कहा था अगर
आप लोग पाकिस्तान के साथ वॉर करोगे तो आप जंग नहीं जीत सकोगे। अब लेटेस्ट ये हुआ है कि सीआईए ने इनको कोई रिपोर्ट दे दी है कि अगर तुम जंग पे जाते हो तो तुम जीत सकते हो, अगर इंडिया जंग पे जाता है तो इंडिया पाकिस्तान से जीत सकता है, बल्कि किसी भी मुल्क से जंग जीत सकता है। ये रिपोर्ट आने के बाद अब इनके हौसले बुलंद हो गए हैं, दे थिंक दे कैन विन द वॉर। और सीआईए ने क्यों किया है वो मैंने कल आपसे बात कर चुकी हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया को इस लेवल पे ले आए, इसराइल के आर्म्स दे के, अपने आर्म्स एंड गैजेट सपोर्ट दे के, कि ये जो हमने ट्रांजिट जोन दिया है चाइना को, वो इंडिया को इस्तेमाल करें उसको खत्म करने के लिए। उसके नतीजे में अगर उन्हें इंडिया को पुश करना पड़ा पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने के लिए तो वो भी करेंगे, जिसके नतीजे में करोड़ों लोग मर सकते हैं। लेकिन सीआईए को कहाँ परवाह रही है, ये वो सीआईए है जिसने अपने अमरीकियों को प्लूटोनियम के इंजेक्शन दिए हुए हैं, जिसके नतीजे में इतने अमरीकी जो हैं उनको कैंसर हो गया, ये वो सीआईए है। तो यही सीआईए अब एक फेक रिपोर्ट उठा के इंडिया को दे रही है कि इंडिया जाओ जाके तुम हमला करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, अमरीका भी तुम्हारे साथ है, इसराइल भी तुम्हारे साथ है, तुम जीत जाओगे, तुम ये जंग जीत सकते हो, तुम्हारे थिंक टैंक्स गलत कह रहे हैं, तुम्हारे स्ट्रैटेजिस्ट गलत कह रहे हैं, तुम ये जंग जीत सकते हो, हम तुम्हें जिता सकते हैं। यही वजह है कि इनके एटीट्यूड में चेंज आई है, यही वजह है कि अब ये आपके साथ डायलॉग नहीं करना चाहते, अब ये आपके साथ वॉर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब ये आपके से वॉर जीत सकते हैं। अगर वो न्यूक्लियर वॉर भी हो तो इनको अमेरिका ने इतना दे दिया है, कॉन्फिडेंस दे दिया है, which is laughable actually, because अगर अमेरिका को लगता है कि वो इंडिया को ये जंग जितवा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आज तक अमेरिका अफगानिस्तान की जंग क्यों नहीं जीत सका? That is the one question I ask every Indian who believes in this fake CIA report that is going to force India to attack Pakistan or nuke Pakistan. And that is a question that I need to ask every American who thinks that he can make India win a war against Pakistan. If you think you could make India win a war against Pakistan, how come you were defeated in Afghanistan all these years? Answer my question. जब आप अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत सके, जो कि एक हमारे लिए, अफगानिस्तान इज नॉट आवर कंट्री, अफगानिस्तान इज अ फॉरेन कंट्री फॉर पाकिस्तानीज, बट अफगान्स आर विद अस, दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आर लाइक आवर फैमिली, वो जंग आप नहीं जीत सके। और आप कहते हो कि इंडिया जो है पाकिस्तान से जंग जीत सकता है, आई मीन हुम आर यू फूलिंग? ये बहुत इंतहाई बेवकूफ और बहुत ही इमोशनल किस्म के लोग हैं मोदी और सुषमा। दे हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ अ मेस दे आर गोइंग टू पुट 1 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया इनटू एंड अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान इनटू। दे हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रैप दे आर गेटिंग देयर कंट्री इनटू। हम जंग नहीं चाहते, हम एक पीसफुल सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया ने हिम्मत की या आंखें भी दिखाई तो वी नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। हम अफगानिस्तान में इन्हें हरा सकते हैं, हम इनकी प्रॉक्सी वॉर में इन्हें हरा सकते हैं, तो ये आके तो देखें, आने की कोशिश तो करें, हम इनके साथ करते क्या हैं? अफगानिस्तान जो हमारे लिए एक फॉरेन लैंड थी, हमने वहां पे इन्हें हरा दिया, तो ये कोशिश तो करें आने की, दे विल सी व्हाट दे विल हैव टू डील विद। और इसके बाद मैंने जो दूसरी बात करनी है, मेरा हाँ इसका मैं ये कंसेंसस, इसका जो रिजल्ट मैं मैसेज दूंगी अपने प्यारी कौम को और अपनी प्यारी फौज के जवानों को कि बेटा बच्चों प्लीज तैयार हो, जंग आने वाली है, क्योंकि ये बेवकूफ़ इमोशनल लोग हैं और ये फेक रिपोर्ट, फेक पुश की वजह से अगर ये इतनी वहशियाना हरकतें कर सकते हैं कश्मीर में, तो ये हमें न्यूट भी कर सकते हैं इनके पुश करने। इसलिए काइंडली बी प्रिपेयर्ड,
be prepared at any moment. This could happen at any moment. और दूसरी चीज जो मैंने कहनी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो मेरे पास किसी ने शेयर की, एक है चैनल है पाक साइबर फोर्स का जो कि फेसबुक पर है. उन्होंने मेंशन किया कि ये शख्स जो कि 20वें ग्रेड का ऑफिसर है जो कि कोयती का बटवा चोरी कर रहा था और उसका बैग चोरी कर रहा था. वो पता चला है कि वो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा था और ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे कहा था कि वो कोयती के जो बैग है, बड़ा बैग जो है, उसके अंदर कोई एक जासूसी का आला डाल दे और ताकि वो उसे पता चले कि पाकिस्तान की हुकूमत और कुवैत की हुकूमत के बीच में क्या मुआहदे हो रहे हैं. तो ये ट्रैप है, ये एक ट्रैप है, आप इस ट्रैप से बचिए. इस वक्त इनकी कोशिश है, इसराइल की कोशिश पूरी है, इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान और ईरान की जंग हो जाए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा सेव हो जाएंगी चीज़ें. उनके अपने सोल्जर्स इस काबिल नहीं है कि वो किसी से जंग लड़ सकें. जैसे कि आपने देखा है कि 70 साल से ये लोग कश्मीर फतह नहीं कर सके, तो आप सोचेंगे पाकिस्तान क्या फतह करेंगे. और फलस्तीन ये फतह नहीं कर सके 70 सालों से इसराइल के सोल्जर्स, तो ये पाकिस्तान क्या फतह करेंगे. तो उनको ये आसान काम लगता है कि ईरान और पाकिस्तान को आपस में उलझा दो, लड़वा दो. अफगानिस्तान में तो कोशिश की नहीं हो सका. अब ये चाहते हैं कि ये ईरान की किसी तरह से पाकिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करा दें इस रीजन में, जिसमें हम इतनी बुरी तरह से उलझ जाएं. यमन और सऊदी अरेबिया की वॉर जो चल रही है ना, ईरान की यमन के अंदर उस टाइप की वॉर, तो उससे इनको बड़ा फायदा हो जाएगा और इनके पैसे भी बहुत बच जाएंगे, क्योंकि ईरान असलहा स्पेंड करेगा, हम असलहा स्पेंड करेंगे, हमारे बंदे मरेंगे, ईरान के बंदे मरेंगे, इनका बंदा भी नहीं मरेगा, इनका बंदा भी इस्तेमाल नहीं होगा. और ये सुकून से बैठ के हमें एक दूसरे का सर फाड़ते हुए, एक दूसरे को कत्ल करते हुए सुकून से बैठ के देखेंगे और इंजॉय करेंगे. ये इनका एजेंडा है, इस एजेंडा से बचें. ईरान के अपने रीजनल इंटरेस्ट हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं, उन्होंने चाबहार पोर्ट दे दिए, ठीक है, इंडिया को, उनकी इंडिया के साथ मरासम है. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ईरान जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है. लेट मी रीफ्रेम माई वर्ड्स, क्योंकि उस पोस्ट पे जो मैंने इस पेज पे भी शेयर किया, उन्होंने लिखा है कि हमारा दुश्मन मुल्क ईरान. ईरान पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, और लेकिन उसको दुश्मन बनाया जा सकता है पाकिस्तान का, अगर आप दुश्मन की बातों में आ गए तो. इसलिए काइंडली अपने रिलेशनशिप ईरान के साथ अच्छे रखें. बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट ना होने दें ईरान और पाकिस्तान की आपस में. ना आपने सऊदी अरेबिया के साथ लड़ना है, ना आपने कुवैत के साथ लड़ना है, आपने अपने किसी मुसलमान भाई के साथ नहीं लड़ना है. ये बात याद रखें, क्योंकि वो ही होगा फिर आपके साथ जो कि सीरिया में हो रहा है, जो सीरियंस के साथ हुआ, जो यमनीज के साथ हुआ. आप वहां नहीं जाना चाहते, आपने अपने किसी मुसलमान भाई के साथ नहीं लड़ना. अगर आप उनकी सुलह नहीं करा सकते सऊदी अरेबिया और ईरान की, तो आपको किसी के साथ जंग में नहीं जाना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही साइड लेते रहो और दूसरे को मारो या दूसरे को कत्ल करो एक के कहने पर. यू शुड नॉट डू दैट. ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता. एक पार्टी जो है आपकी, उसके अपने इश्यूज हैं, दूसरी पार्टी जो है उसके अपने इश्यूज हैं. लेकिन इस वक्त हमारे जो मुस्लिम मुल्कों का जो सबसे नंबर वन प्रॉब्लम जो है, जिसकी वजह से हम स्कम ऑफ द सी है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन प्रिडिक्ट किया था कि मुसलमान समंदर के झाग की तरह होंगे, क्वान्टिटी में बहुत ज्यादा होंगे लेकिन समंदर का झाग होंगे. उसकी मेन वजह यह है कि हम एक दूसरे को पुल डाउन करते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोगस रखते हैं. तो हमारे इस बोगस का फायदा हमारे दुश्मनों को होता है. यही वजह है कि दुनिया से मुसलमान तबाह हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, शहीद हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, बेघर हो रहा है, और उसके साथ बहुत
खतरनाक किस्म के वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, और उसके लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। ये यूएनजीए में जो हुआ अभी रिसेंटली, जिसमें कश्मीर को टोटली इग्नोर कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया, एक बार फिर से अबैंडन कर दिया गया, इसमें कसूर जो है वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का नहीं है। उसमें कसूर इस बात का है कि एक मुसलमान अकबर नूरुद्दीन जो है वो ही आकर अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर इतनी ज्यादा बर्बरियत और वहशियानापन की एडवोकेसी कर रहा है। इस बात का कसूर है, इस बात का मुझे दुख है। और मोदी को हमारी इस कमजोरी के बारे में पता है, हमारे दुश्मनों को हमारी इस कमजोरी के बारे में पता है कि मुसलमान को मुसलमान से लड़वाना बहुत आसान है। दुनिया का सबसे आसान तरीन काम जो है, जो हमारे दुश्मन को पता है, जो फॉर्मूला इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान कुव्वतों के लिए, वो यही है कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ाओ। मोदी ने कोई नॉन मुस्लिम नहीं भेजा यूएनजीए में, उसने एक मुसलमान को भेजा है कि जाओ जाके कश्मीर पे जो कुछ हो रहा है, हमारी आर्मी जो कुछ कर रही है, तुम्हारी बहनों को, मुसलमान बहनों को जो रेप करती है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को जो ब्लाइंड करती है, जाओ जाके उसके हक में जाके बात करो कि वो सही करती है। और सुभान अल्लाह, इट हैड टू बी अ मुस्लिम, शेमलेस स्पाइनलेस मुस्लिम। मैं तो हैरान हूँ अपने आप को मुसलमान कैसे कहते हैं ये डिप्लोमेट कि जिसको मोदी भेजता है यूएनजीए में, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म के जो वाकयात हो रहे हैं उनकी एडवोकेसी के लिए, कि उनको जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ मेरी बहनों को अगर रेप किया जाता है, मेरे मुल्क की आर्मी जो है अगर मेरी बहनों को, मुसलमान बहनों को रेप करती है, तो मेरी बहनों का कसूर है, मेरी आर्मी का कसूर नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट। आपको ईरान से जंग नहीं करनी है, आपको अपने किसी मुसलमान भाई से जंग नहीं करनी है। अब सिर्फ एक जंग होगी, वो जंग उन लोगों से होगी कि जो मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वा कर, उनका खून बहाकर, आराम से पीछे बैठकर एक फुसोप ऑपरा की तरह देखते हैं, एंजॉय करते हैं, पॉपकॉर्न्स खा रहे होते हैं, उनके लिए एक शो है ये, और हंसते हैं हमारे ऊपर ये लोग। दिस इज नॉट गोना हैपन एंड पाकिस्तान इज नॉट गोना बी पार्ट ऑफ इट। ईरान हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, सऊदी अरेबिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, दे आर पोलराइज्ड, अंडरस्टैंडेबल, बट दे आर नॉट आर एनिमीज। वी आर फ्रेंड्स विद एवरी मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे मैं, बिफोर आई टेक ऑफ, आई एम गोना टॉक अबाउट वन थिंग, दैट इज माई मैसेज टू मोदी एंड सुषमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले गजवाए हिंद के बारे में प्रिडिक्ट किया था, तुम पाकिस्तान को गजवाए हिंद की तरफ पुश कर रहे हो। और तुम्हें एक बात मैं बता दूं, गजवाए हिंद जब शुरू होगी ना, जब सही वाला पीक पे जाएगी, वैसे तो हम लड़ रहे हैं, पीक पे जाएगी ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि दुनिया का जो मुसलमान है, जहां है, जब गजवाए हिंद हो तो उसका पार्ट बने, तो उसके लिए लड़े, चाहे वो बांग्लादेश में बैठा है, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठा है, चाहे वो ईरान में बैठा है, चाहे वो सऊदीया में बैठा है, दुनिया मलेशिया में बैठा है, चाहे इंडोनेशिया में बैठा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त 1400 साल पहले कह दिया था कि गजवाए हिंद जब होगी तो दुनिया के तमाम मुसलमानों के ऊपर फर्ज है कि वो उसमें हिस्सा लें, और अगर वो हिस्सा लेंगे तो क़यामत वाले रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, और वो ये जंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ेंगे। अब मुझे ये बताओ, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन 2 अरब मुसलमान है। अब सोचो कि तुम लोग 1 अरब हो और हम 2 अरब हैं, तुम ये समझते हो ना कि ये छोटा सा पाकिस्तान है।
यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स. अगर तुम मुसलमानों को 2 सेकंड में ईमान से बेईमान कर सकते हो, तो वही मुसलमान अगर सालों से शराब पी रहा हो, सालों से गलत काम कर रहा हो, एक दफा लबैक उसे मिल जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो वो शख्स बेईमानी से, बदमाशी से मोमिन बन जाता है. एक क्लासिक एग्जांपल मैं तुम्हें इमरान खान की देती हूँ, जिसकी सारी जवानी जो है वो स्कैंडल्स पे मबनी है, लेकिन जब ईमान आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है. जब लबैक पे जाने का टाइम आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है. खबीस से खबीस मुसलमान, गलीज से गलीज मुसलमान जब ईमान की रोशनी से मुनव्वर होता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, मोमिन बन जाता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है. ये मैं तुम्हें बता रही, तुम समझते हो कि मुसलमान डिसयूनाइटेड हैं, गलीज हैं, इस्लाम का इन्हें पता नहीं है, एक दूसरे को मारते हैं, क्या यूनाइटेड होंगे. लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, तुमने हमें गज़वा हिंद की तरफ तुम भेज रहे हो, और अगर तुमने ये शुरू करा दी, मुहल्लमा शुरू करवा दिया, तो पाकिस्तान अकेला नहीं होगा. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लबैक की आवाज आती है ना, तो 2 अरब मुसलमान दुनिया के कोने कोने से आएंगे यहाँ पे लड़ने के लिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने की ख्वाहिश सबको है. हज में देखा है क्या होता है, लोग हर साल हज पे जाते हैं, मदीना मदीना मुनव्वरा जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, हाजिरी देने के लिए. तो ये तो जंग है जिस पे हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जाओ जाके लड़ो, तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तुम्हारा हुक्म है. तुम ये समझते हो कि ये सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ तुम लड़ोगे? ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जिसके साथ तुम लड़ोगे, ये गज़वा हिंद है. इसके अंदर 2 अरब दुनिया का मुसलमान है जो हमारे साथ लड़ेगा. और फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा हिंदुस्तान बच पाएगा? बस ये मैंने कहना था.